हेलो मेंबर्स वेलकम बैक टू ओन चैनल स्टॉक मार्केट फंडा में अब देखो आज मार्केट फॉलो हुआ है हालांकि हल्का सा फॉलो हुआ है लेकिन क्या आगे हो सकता है ये आपको डिटेल में बताऊंगा मिड कैप्स में क्या हो सकता है और कल का निफ्टी का ट्रेड क्या हो सकता है डिटेल में बताऊंगा वीडियो अंत तक जरूर देखेगा और कोई क्वेरीज रहती है डेफिनेटली कॉमेंट जरूर कीजिएगा और सर मैं आपका आंसर में हमारे जो रेगुलर वीडियोज आते हैं पार्ट टू वाले उसमें मैं आपको आंसर जरूर करूंगा क्लियर चलो फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं ओके okay, अब देखो ये वीडियो पार्ट वन नहीं है लेकिन मैं आपको ज्यादातर पॉइंट्स आपको समझाऊंगा जो आप इन्वेस्टर्स है या ट्रेडर्स है दोनों के लिए काम आ सकते हैं और ये वीडियो मेरे भाई मिस्ड सीरियस नोट पे मत करना जो मैंने अभी ये वीडियो में बना रहा हूं आपके लिए ठीक है चलिए पहले पॉइंट पे आ जाते हैं क्या सर ये प्रॉफिट बुकिंग है देखो क्लियर कट प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है मैंने आपको मेरे रिसेंटली कुछ वीडियोस आए थे दो तीन वीडियो आप यहाँ पे डेफिनेटली देख सकते हैं या हमारे जो पा, पार्ट टू आता है उसमें देख सकते हैं मैंने बहुत बार आपको समझाने की कोशिश की है कि क्लियर कट ओवरवर्ड जोन में है ठीक है मान लो मिड कैप्स फॉल करते कि नहीं करते उसके स्टॉक्स फॉल करते कि नहीं करते लेकिन निफ्टी जरूर करता है ऐसा मैंने आपको यहां पर भी बताया था अराउंड सी ये वाले उस पर ठीक है यहाँ पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं फिर यहाँ पे देख सकते हैं ट्वेंटी जुलाई को और ये होता हुआ दिखाई दिया है ठीक है तो ये क्लियर कट यहां पे दिखाई दे रहा है कि मार्केट फॉल कर रहा है अब इसका अगला सपोर्ट आप डायरेक्टली मत सोचिएगा कि इसका अगला सपोर्ट बीस चार सौ है या बीस हजार है नहीं इतना दूर सपोर्ट नहीं होता पहले तो नजदीक का सपोर्ट होता है यानी कि यहां पे है आ, बीस सात सौ पचास आसपास है यहाँ पे निफ्टी का सपोर्ट ठीक है तो वहां तक एक बार जा सकता है लेकिन पता है प्रॉब्लम कहां पे है प्रॉब्लम है मिड कैप्स में ठीक है आज एक हल्का सा मिड कैप्स ने झटका मारा था हमारे जितने भी व्हाट्सएप मेंबर्स से जो डिस्कशन करते रहते हैं वो लोग काफी पैनिक में हो गए थे कि भाई निफ्टी रेड नहीं हुआ हमारा पोर्टफोलियो रेड हो गया ठीक है अब देखो मार्केट में बहुत सारे डेटाज आए हैं सी रिटेल इन्फ्लेशन के डेटा इंडस्ट्रियल ग्रोथ के डेटा जितने भी पॉजिटिव हो मार्केट एक झटका तो मारेगा ही मारेगा ठीक है देखो जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं कि निफ्टी हो या आदमी हो हमेशा जाना ऊपर ये फाइनल में ठीक है लेकिन पॉइंट आ शॉर्ट टर्म में कहां पे जाएगा कितना और गिरेगा और क्या आपके स्टॉक्स भी गिरेंगे ठीक है तो आप पहले रिटेल इन्फ्लेशन देख लो रिटेल इन्फ्लेशन काफी तक यहाँ पे जमकती हुई दिखाई दी है जो अनुमान था उससे बढ़ती हुई दिखाई दी है अगर विश्वास नहीं है तो आप यहां पे देख सकते इंडस, आ, इंडिया सीपीआई इंट सात आठ परसेंट का अनुमान था एक्चुअल आता हुआ दिखाई दिया पांच पॉइंट का ठीक है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हम डेफिनेटली देख सकते हैं सी वो भी काफी तक बढ़ता हुआ दिखाई दिया और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया अब अगर आप बात करें जाए कि भाई इतने अच्छे डेटा है इन्फ्लेशन भी थोड़ा सा कंट्रोल में है, वैसे आप प्रीवियस कंपेयर में देखने जाए तो बढ़ के दिखाई दे रहा है लेकिन अनुमान से कंट्रोल में है लेकिन आप गिफ्ट निफ्टी देखने जाए तो अभी भी यहाँ पे रेड में दिखाई दे रहा है हल्का सा रेड है लेकिन रेड है ठीक है तो शॉर्ट एंड सिंबल में एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देता है अब क्या हो सकता है वो सुन लो देखो मुझे काफी लोगों ने पूछा था कि सर हमारा शॉर्ट टर्म व्यू है है उसमें क्या करें ठीक मान लो आप स्टॉक्स में बता दे कि भाई मोमेंटम है मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन बाद में क्या करें ठीक है तो शॉर्ट एंड सिंबल में ये समझ लो कि जो मंथली ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स रिसेंटली होते हैं ठीक है वो हल्का सा फॉल करके वापस रिकवर कर देंगे क्लियर आज मैंने एक एक्जाम्पल हमारे हमारे व्यूअर्स को दिया था हमारे जो ब्रेकआउट वाला स्टॉक मुझे आज दिखाई दिया था वो था यहां पे इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक देखो आज मिड कैप्स में फॉल आया था सेकंड हाफ में निफ्टी में फॉल आया था लेकिन जैसे मिड कैप्स हल्का सरिकर हुआ जस्ट पंद्रह मिनट के लिए आप देखो इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक रिकवर कर गया ठीक है वॉल्यूम्स देखो यहां पे ठीक है फॉल हुआ तो ड्राई वॉल्यूम्स मोमेंटम आई तो बड़े वॉल्यूम्स क्लियर आप सी यहां पे भी देख लो देखो कंटिन्यूसली कंसोलिडेशन करने के बाद ये वॉल्यूम्स देखो यहां पे दिखाई दे रहा है तो ये क्लियर बता रहे कि बड़े प्लेस ने एंट्री की है अब मान लो बडे प्लेस एंट्री करते तो वो तो लॉस बुक नहीं करेंगे हाँ पूरे मार्केट को गिराएंगे डेफिनेटली लेकिन वो लोग लॉस बुक नहीं करेंगे ठीक है तो वो क्या करते हैं कहां पे घुसे हुए हैं ये आपको स्टडी करना है ये आपके बहुत बहुत काम आने वाला है मेरा वीडियो देखोगे काफी हद तक सीखने को मिलेगा मान लो मार्केट में लाखों व्यूज आते हैं उनका वीडियो देख में उसमें कुछ नहीं पता चलता बस लॉन्ग टर्म की आ, बोलते हैं ना एक माला जपती रहती है कि लॉन्ग टर्म देखना चाहिए लॉन्ग टर्म देखना चाहिए आई समझ में तो मैं आपको स्टार्टिंग से समझाने की कोशिश करता हूं बाकी आप पे डिपेंड हो जाते हैं हमारे और अगर मेरा वीडियो समझ में आ रहा है तो भाई बस एक लाइक तो काफी लोग सीखे ठीक तो है चांसेस हो लेकिन कंटिन्यू करें सेकंड जो ऑलरेडी भागे हुए स्टॉक्स है वो शायद ज्यादा प्रॉफिट बुक करें ठीक है वो भी आप ध्यान में रखिएगा क्योंकि अभी मिड कैप्स फॉल नहीं हुआ है क्लियर दिखाई दे रहा है कि बहुत जल्दी फॉल हो सकते हैं काफ़ी अच्छा फॉल आ सकता है और वैसे भी बड़ा वाला फॉल आ सकता है करीब आप ये समझो दो पॉइंट का फॉल आ सकता है अप्रोक्सीमेटली मिड कैप्स में और स्मॉल कैप्स भी यहाँ पे आएगा और इतना फॉल आएगा तो फिर आप डर जाओगे सीरियसली क्योंकि 20 परसेंट पर स्टॉक की मोमेंटम आ सकते हैं फॉलिंग साइड पे ये बात ध्यान में रखिएगा ठीक है ये क्लियर कट वार्निंग साइन है अगर आता है तो की बात है ठीक है फिर यहाँ पे बेस बना के वापस ऊपर चला जाएगा इलेक्शन इलेक्शन के बाद ये भी आप हाँ हूँ ये ट्रेडर्स के लिए मैंने अभी तक बताया था वो इन्वेस्टर्स के लिए था अब ट्रेडर्स सुन लो ध्यान से समझना मैंने आपको हमेशा यहाँ पे लाइव मार्केट में आपको लेवल्स बताता रहता हूं मुझे सपोर्ट देता है रेजिस्टेंस कहाँ पे दिखाई देता है तो उसका मीनिंग क्या है देखो समझो बात को मान लो मैंने आपको यहाँ पे सपोर्ट बताया सी ये वाला सपोर्ट है ठीक है अब ये ऊपर का रेजिस्टेंस मैंने आपको यहाँ पे बताया कि भाई मैंने ड्रॉ करके आपको बताया था कि ये रेजिस्टेंस है ठीक है मैं वापस ड्रॉ कर लेता हूँ एक काम करता हूँ मैं यहीं पर ऐसे ही ड्रॉ कर लेता हूँ ठीक है मान लो ये रजिस्टेंस है ओके सेम चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की ठीक है एक बीच में भी मुझे रजिस्टेंस दिखाई दे रहा था तो वो भी मैंने आपको बता दिया यहाँ पे ठीक है ओके okay. अब मान लो कोई भी एक लेवल टूटता है मैं हमेशा फोकस करता हूं टॉप पे एक बॉटम पे ठीक है तो मान लो एक टॉप ब्रेक हो जाता है तो एक मोमेंटम आ सकती है निफ्टी साइड पे वो भी जो डायरेक्शन में ब्रेक हुआ वो और अगर मान लो बॉटम ब्रेक हुआ तो वो डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकती है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे टेस्ट हुआ ठीक है अब क्या होना चाहिए था या तो यहां से पुल बैक करके वापस फॉल करना चाहिए था या तो यहीं से फॉल करके ऐसा करके फॉल करना चाहिए तो क्या, क्या? कर तो आप आप, आप बोलूंगा आपको, आपको ट्रेड करना ही करना है नहीं मैं आपको जस्ट सिखा रहा हूं कि निफ्टी का ब्रेकडाउन कैसे हम लोग कैच करते हैं और आपको ध्यान में कैसे रखना है कि मोमेंटम कैसी हो सकती है तो मान लो ये लेवल टूट गया ठीक है अगर फॉल करना है तो क्या करेगा वो लेवल तोड़ ही देगा ठीक है तो यहां पे देखो टूट गया लेवल ठीक है थोड़ा नीचे गया रीटेस्ट किया और जहां से रेजिस्टेंस अब जो सपोर्ट टूटा वो रेजिस्टेंस बन गया रेजिस्टेंस यानी कि उसको टच करेगा तो गिर जाएगा ठीक है टच करेगा तो गिर जाएगा ठीक है तो आप देखो यहां पर टच किया और वापस गिर गया क्लियर आई बात समझ में तो हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फोकस कीजिए अगर वो टूटता है तो बड़ी मूव जनरली आती है ठीक है अब मान लो सर आप बोले कि यहां पे ऐसे करके भी फॉलो हो सकता है तो क्या वो ब्रेक डाउन करके फॉल सिग्नल बताएगा बाद में फॉल करेगा नहीं जनरली अगर सपोर्ट यहां पे होता है ठीक है और उसको बड़ा फॉल करने तो वो क्या करेगा शॉर्ट करके ऊपर जाके फॉल ही कर लेगा लेकिन उसको अगर आपको अब बोलते हैं ना यहाँ दूसरा तरीके से फॉल करना है वो क्या करे यहाँ पे एक सपोर्ट बना लेगा लेवल नहीं तोड़ेगा एनी हाउ लेवल नहीं तोड़ेगा यहाँ पे सपोर्ट बना लेगा थोड़ा बाउंस करेगा एंड देन फॉल करेगा उसको बोलते हैं यहाँ पे एक टाइप का एम पैटर्न ऐसा करके ऐसा करके फॉल करेगा ठीक है तो ये बात आपको ध्यान में जरूर रखनी है तो मैं आपको जो लाइव मार्केट में लेवल्स फॉरवर्ड करता हूँ वो आपको स्टडी करना है सीखना है आप अपने अंदाजे से भी डेफिनेटली फोकस कर सकते हैं प्रैक्टिस कीजिए आई एम श्योर आपको बहुत कम आएगा और काफी लोग के आप वीडियोस देखो उससे बेटर काफी मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि सपोर्ट्स क्या है रजिस्टेंस कहाँ पर है ठीक है और हाँ मॉर्निंग में आधे घंटे में कोई भी बेकार के ट्रेड लेना व्यवकूफी हो जाएगी

आज का जो लेवल है वो इंपॉर्टेंट है ठीक है क्योंकि इसने तीन दिन का लो तोड़ा है ऑलमोस्ट तो आज का अगर ये लोड तोड़ता है मैं बात कर रहा हूं ट्वेंटी ट्वेंटी थाउजेंड एट सिक्सटी की एट सिक्सटी के नीचे जाता है

ठीक है और मान लो कि बहुत ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ तो भाई ये क्लियर कर ब्रेकडाउन है तो क्या करेगा कि भाई कल भी मू की थी यानी कि आज मुखी थी अब मान लो नेक्स्ट डे को गैप डाउन ओपन हुआ तो क्या करेगा थोड़ा फॉल करके ऊपर जाएगा बाद में वापस गिर जाएगा ठीक है बोलते हैं ना सपोर्ट को टेस्ट करना ओके तो ये आपको स्ट्रेटेजी निफ्टी की जरूर सोचनी चाहिए समझनी चाहिए सीखनी चाहिए क्लियर होप आज का वीडियो समझ है। पसंद है में में आया पसंद बाकी शॉर्ट सिंपल टेंरी निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है मैं आपको ऑलरेडी पिछले तीन दिन से बता रहा था निफ्टी में होगी तो मिड कैप्स में भी आ सकती है मिड कैप्स में ये स्मॉल कैप्स में भी आएगी ठीक है तो थोड़ा आएगी और मान लो सपोर्ट लेगा तो मैं आपको बताने की पूरी की पूरी कोशिश करूंगा कि यहाँ पे निफ्टी या मिड कैप्स ने सपोर्ट बना लिया है तो शॉर्ट टर्म का व्यू अगर किसी में है तो भाई बल्क में मत रखना फंड फ्री रखना आई एम श्योर आपको फ्यूचर में वो फंड काम आ सकते हैं मिलते हैं मेंबर्स अगली वीडियो के अंदर तब तक के लिए गुड बाय जय हिंद